हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिमाज बुटीक। तो हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। माना बहुत दिन हो गए मुझे वीडियो डाले हुए, पर आज मैंने सोचा क्योंकि हम आए हुए हैं अपने गांव में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने गांव का घर दिखाया जाए। उसमें थोड़ा सा हमने काम किया है और ये हमारी क्यारी है यहाँ पर। ये देखिए, हम इसमें जो है वो बो रहे हैं सरसों। तो हम इसको पहले थोड़ा थोड़ा सा जो है वो मिट्टी हटा रहे हैं, फिर हम इसमें सरसों के बीज डालेंगे। हमने यहाँ पर ये छोटी सी क्यारी बना रखी है और हम यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बो रहे हैं, जैसे साग है, पालक है, और आज हम सरसों की बारी लगा रहे हैं इसमें। ये देखिए, छोटे छोटे से दाने हैं ये सरसों के, तो हम इनको डालेंगे तो शायद इंशाल्लाह सरसों आए। ये देखिए, ये हम डाल रहे हैं सरसों। मुझे बहुत टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का, थोड़ा काम में बिज़ी रहती हूँ बेटी के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर की वीडियो डाली जाए। ये हमने सरसों के देखिए बीज डाले हैं इसमें। कमेंट में बताइए कि आपको हमारा जो ये हरियाली है वो कैसी लगी, जो हमने छोटी सी ये बनाई है। ये देखिए आप, ये हमने बो दिया है। अब देखते हैं हम कितने दिन में ये आएंगे। ये बच्चे भी मेरे साथ मेहनत कर रहे थे लगाने के लिए। ये देखिए, हमने छोटे छोटे से बहुत सारे इसमें लगाए हैं। ये मैंने इसमें प्याज भी लगाई है, यहाँ पर पालक है, तो इंशाल्लाह जब ये बड़े हो जाएंगे तो और प्यारे लगेंगे। जब हम आए थे यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ ये खाली था, तो हमने इसको थोड़ा सा सोचा कि हरियाली अच्छी लगती है थोड़ा घर में लगी हुई होती है। तो ये देखिए, ये साग भी लगाया है हमने, वो मैंने बनाया नहीं, लोग टाइम नहीं मिला। और ये हो रही है सर्दी की तैयारी हो रही है। और ये लिहाफ का मुंह आगे से तुरपाई कर रही हैं मम्मी, क्योंकि यहाँ पर सर्दी अच्छी पड़ती है, तो इसीलिए फिर इसके बाद इसमें टाके डालेंगे। और ये भी फिर से इनके साथ हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर ठंड बहुत होती है, तो उसके लिए ये रज़ाई तैयार हो रही है। किस किस के घर में रज़ाई तैयार होती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। अगर अच्छी लगे वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए, हमने थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन सा बनाया था, जो इसमें टाके लगते हैं रज़ाई में, तो ये थोड़ा इस सीक्वेंस में ये डालेंगे। तो ये भी अम्मी ही डाल रही हैं, क्योंकि उनको शौक़ भी है और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, अम्मी डाल रही हैं इसमें। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी वो जो है उनको इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है अपने हाथ से करने में। और ये हमारी बिटिया रानी स्कूल से पढ़ के आ रही हैं। हमने सोचा जितने दिन यहाँ पर रहेंगे तो इनको भी पढ़ने भेज देते हैं, कुछ तो आएगा, कुछ तो सीखेंगी। तो ये पढ़ के आ चुकी हैं, ये इनके भाई लेके आ रहे हैं इनको। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं और वीडियो बनाऊंगी अपने घर से रिलेटिव। आपको अगर अच्छी लगे तो मुझे बताना, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। बाय बाय।